रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। जालौन में सनसनीखेज हत्या की वारदात आई सामने। देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर की निशंस हत्या। मृतका के पति ने अपने भाई पर लगाया कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या करने का आरोप। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पुलिस जांच में जुटी। हत्या की वारदात के बाद हत्यारोपी मौके से हुआ फरार। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र की घटना। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल की ओर रवाना। स्थानीय सूत्रों की अगर माने तो अवैध संबंध भी हो सकते हैं हत्या का कारण। आइए जाने जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार से क्या है पूरा मामला, जो मौजूद हैं घटना स्थल पर लाइव। हाँ तो देवेश जी, आप बताएं क्या है प्रकरण। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है देवेश स्वर्णकार। जी, ये पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के सिरसा कलार गाँव से ही सामने आया है, जहाँ पर रिश्ते शर्मसार हुए हैं, जहाँ पर एक देवर ने कुल्हाड़ी से अपनी भाभी पर वार किया है, कातिलाना हमला किया है, जिसको लेकर जब भाभी की चीखने चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने उसके पति को सूचना दी है और पुलिस को भी समीपवर्ती थाने के जो सिरसा कलार थाना है वहाँ पर उसको सूचना दी है। तो सूचना मिलने पर जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है तो घायल हुई महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जी देवेश जी, फिलहाल अभी आप कहाँ मौजूद हैं? हम जो है जिला अस्पताल में ही खड़े हैं और उसके पति से हमारी बात हुई है। पति का कहना यह था कि वो जानवर चराने के लिए गया हुआ था, घर में देवर और भाभी दोनों अकेले थे, दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और गुस्से में आकर राजू, जिसका नाम बताया गया है देवर का, जिसने कुल्हाड़ी से वार किया है जिससे महिला की मौत हो गई है, वो मौके से फरार हो गया है और क्षेत्राधिकारी जालौन उमेश पांडे भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी गौर करने वाली, स्थानीय जो सूत्र हैं उसके मुताबिक महिला की हत्या अवैध संबंध भी हो सकते हैं। फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन जो स्थानीय सूत्र सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक महिला की हत्या जो है अवैध संबंधों को लेकर भी की जा सकती है। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। कहाँ से आए और क्या मामला है? सिरसा कलार। क्या मामला है? मामला हम चौकी चरा रहे थे, गंजा भेसी है, वो अगर खबर मिली तब हम भाग के आए, बोले राजू लड़का है, राजू ने कुल्हाड़ी मार दी, ये बताई हमारे छोटे वाले भैया अन जाए को, और में जो सबसे छोटे वो है 20 को, ये बताई भाग के हम गए थे, आए वन से सूचने पर सब जी बोल रहे हैं। किसको कुल्हाड़ी मार दी? भाई पत्नी है। क्या नाम है पत्नी? पूजा। घर में जब कोई नहीं था जब कुल्हाड़ी मार? नहीं, कोई बेई दो बेई लोग जने आते भाई भैया वहाँ एक और आते कोई नहीं आते। अब ये मामला जैसे हुई, हम तो आते खेत पे चौपी चरा रहे थे, तो रोज को काम है वहाँ। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ नहीं। क्या हुआ, मुलजिम पकड़े गए? अभी नहीं पकड़े गए, बोले उन्हें लाद के ले चलो, तो पहले ही जाने तो गाँव की बोली पुलिस ने किया, पहले ले चलो इन्हें। तो वही नहीं किया। महिला आई थी जी, क्या स्थिति और कैसे आई है? महिला यहाँ पे इमरजेंसी में आई है, ये महिला जब आई है मृत अवस्था में आई है, जबकि ये 4 बजे के करीब यहाँ पे डेड बॉडी आई है। इसके सर पे काफ़ी गहरी चोट है, सर पूरा खुला हुआ है, 2 जगह इसके बड़े बड़े घाव हैं, ब्रेन टिश्यू भी थोड़ा बाहर आया हुआ है उसका, और मृत थी वो जब यहाँ पे। कहाँ से आई थी और क्या नाम? पर्चों के हिसाब से वो पुलिस वालों ने जो बताया वो सिरसा कलार के रहने वाले हैं, सिरसा कलार से आए हैं, वहीं थाने से पुलिस वाले लेके आए थे साथ में।